वेलकम बैक टू माई चैनल टारगेट गेम्स। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं रीस्पॉन ग्रैनी आ चुकी हूँ, मतलब कि दोबारा से जब हम आते हैं तो दूसरे मैप में आई हूँ। ये मैप नंबर 2 है। ओके, तो मैप नंबर 1 मैंने आप लोगों को दिखाया है, अब मैं मैप नंबर 2 दिखा रही हूँ, जिसमें मुझे सबसे पहले अपने ही कमरे में बुक मिली है और बुक में आकर यहाँ पर पुट कर देती हूँ। तो स्पाइडर की तो मुझे स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी, जैसे ये बाहर आएगी आके फेंक देगी। मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि यहाँ पर क्या है। ओहो, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला हमें। तो चलो ये वाली अलमारी भी देख लेती हूँ खोल के कि यहाँ पर क्या है। इधर कॉग व्हील है, मतलब एक कॉग व्हील मुझे मिल चुका है। पिछली बार आपको याद होगा कि कॉग व्हील हमें कितना दूर जाकर मिला था, मतलब नीचे सीवर में जाके मिला था। तो मैं यहाँ से नीचे फेंकती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर जो स्क्रू ड्राइवर है ना, ये इन चीज़ों से गिर जाया करे नीचे, बट चलो कोई बात नहीं, इसमें भी हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ओके, मैं ये वेस्ट भी उठा के फेंक के चेक कर लेती हूँ, शायद गिर जाए। वैसे मैं गिरा चुकी हूँ एक दो बार, बट अभी पता नहीं क्यों नहीं गिर रहा। तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब हम जाते हैं यहाँ से नीचे, जाएँ नीचे ही जाते हैं, और इसको रहने देती हूँ मैं। यहाँ से पहले मैं कॉक व्हील उठाती हूँ और उठा कर किचन की तरफ से घूम के इधर फेंकाती हूँ, जहाँ पर हमारा कुआँ होता है। और ये प्ले हाउस में मुझे लगाना है, तो ये बाद में लगाऊंगी, पहले मैं इसको यहाँ पर फेंक तो दूँ ना, फिर उसके बाद सारे काम होते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है? शॉटगन। अभी तक फ़िलहाल तो एक पीस ही मिला है। एक पीस से क्या होने वाला है यार, एक पीस से तो कुछ भी नहीं होता। ओके, ये वाला खोलती हूँ। कुछ भी नहीं है यहाँ पर इस अलमारी में। अब किचन भी चेक कर लेते हैं कि किचन में कुछ है क्या या नहीं है। पहले ऊपर वाली खोल कर देख लूँ। पैडलॉक कोड भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ, और अलमारियों में भी कुछ भी नहीं रखा हुआ, मतलब कि इस बार किचन में कुछ भी नहीं है। सिर्फ ओवन में मुझे एक रेंच मिला है, बाकी किसी भी अलमारी में मुझे कुछ भी नहीं मिला इस बार, मतलब कि इस वाले पैन में। जब हम दोबारा से ज़िंदा होके आते हैं, दोबारा से नया मैप आता है, तो इस वाले मैप में हमें सिर्फ रेंच मिलेगा, वो भी ओवन के अंदर। काफ़ी टफ मैप अब हो गया है, पहले फिर थोड़ा बहुत इजी था, बट अब काफ़ी मुश्किल है। ये वाली जगह, ओहो, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, और ना ही मुझे शॉटगन का पीस इधर मिला है नीचे कहीं पर। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, मतलब इस बार सारी चीज़ें रखी कहाँ हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। वैसे कहाँ रखी हो सकती हैं, पता नहीं, लगता है सब कुछ सिवर में ही रखा हुआ है। पीस ऑफ पेंटिंग है, और यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर सिर्फ एक रिमोट ही है, और तो बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, हम रिमोट जाकर लगाते हैं और देखते हैं कि रिमोट से हमें क्या मिलेगा। यूज़ करती हूँ मैं इसको, और अंदर क्या है? ओके, एक वुडन स्टिक मिली है मुझे। एक वुडन स्टिक नहीं, ये सीवर स्केप में काम आने वाली है, यही तो दरवाज़ा खोलने के काम आएगी। अब स्पाइडर की भी मुझे ला कर लगानी है। अब मैं यहाँ से अपनी स्पाइडर की उठा लेती हूँ और नीचे जाकर लगा लेती हूँ, बिकॉज़ ये मैंने कहीं रख दी तो मैं भूल ना जाऊँ, इसीलिए मैं इसको लगा ही लेती हूँ। ओके, तो हमारा काम हो गया। ये क्या पड़ा है? अच्छा, ये पीस ऑफ पेंटिंग है, इसका मुझे कोई काम नहीं है, मतलब मुझे लाइफ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वुडन स्टिक उठाती हूँ, ये मैं नीचे फेंक देती हूँ, फिर बाद में जब जाना हुआ आराम से चली जाऊँगी नीचे। अभी फ़िलहाल ना मुझे ऊपर वाले कमरों में भी जाना है। ग्रैनी है नहीं, तो डर तो हमें कोई है नहीं इस जगह पर। ओके, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, मतलब नंबर ढूंढना पड़ेगा मुझे, वरना मैं लिफ्ट में से जाकर कुछ भी नहीं ले सकती, क्योंकि अगर बम ब्लास्ट हो गया तो मेरी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ पर कुछ है क्या? व्हील क्रैंक यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ, शायद अंदर पड़ा हो। अंदर भी कुछ भी नहीं है, एक टैडी है और बाकी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है अंदर। टैडी उठा लेती हूँ, उठा के ऊपर ले जाती हूँ। इस बार मैं आपको दिखाती हूँ कि टैडी से क्या होता है।
बस अभी फ़िलहाल तो मैं यहीं पर फेंक देती हूँ। ओके, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कार की, मतलब कि कार की हमें मिली है इस बार यहाँ पर, तो मैं ये पहले जाके कार के साथ लगा लूँगी, लेकिन पहले यहाँ पर भी चेक कर लूँ कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, और इस जगह पर इधर इस कमरे में देख लूँ कि कॉक व्हील, इस बार हमें दोनों कॉक व्हील सामने सामने ही मिल गए। पिछली बार आपको याद होगा कि कॉक व्हील बहुत छुपा के रखे हुए थे, बट इस बार सामने सामने ही थे। इसके पास क्या है? अच्छा, इसके पास आई थिंक सो कटिंग प्लायर है। वैसे मैं चेक कर लूँ। ओहो, मैंने हाथ मारा चेक करने के लिए कि क्या चीज़ है, बट उसने मुझे काट दिया। चलो कोई बात नहीं। नंबर वन, वन नंबर है इस बार, बॉक्स का नंबर वन है। शुक्र है मैंने देख लिया, वरना मैं पूरा दिन ढूंढती ही रहती इधर उधर। ओके, तो इधर से फ्रीज ट्रैप पड़ा है, बाकी कुछ भी नहीं पड़ा इधर। और पैडलॉक कोड भी मुझे अभी तक नहीं मिला है, पता नहीं कहाँ पर है वैसे पैडलॉक कोड। शायद यहाँ पर लिखा हो, कभी कभार यहाँ पर भी लिखा होता है, बट इस बार तो यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ पैडलॉक कोड। मतलब कि पैडलॉक कोड फिर शायद कहीं ऊपर ही होगा, यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं मेंशन। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मुझे लग रहा है शायद कोई चेंजिंग वगैरह आई होगी सीवर की वजह से, बट कोई चेंजिंग नहीं आई, बस सिर्फ वो सीवर वाली जगह ही चेंज हुई है, बाकी इन चीज़ों में कोई चेंजिंग नहीं आई। तो कार की मैं उठाकर नीचे ले जाती हूँ, और नीचे कार में जाकर देख लेते हैं कि कार की डिग्गी में क्या पड़ा हुआ है। शायद उधर से हमें कोई काम की चीज़ मिल जाए। ओके, तो हमें यहाँ से हैमर मिल चुका है। हैमर से दरवाजे काफ़ी सारे टूट सकते हैं, लाइक पहले तो ये मेन गेट तोड़ूंगी मैं। ये सिर्फ मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सी स्केप में कौन सी चीज़ चाहिए होती है लाजमी, वरना मैं कोई भी एक आध स्केप चूज़ कर लूँ तो मुझे हैमर सिर्फ एक ही जगह पे यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो अब इस वाले कमरे में भी हैमर यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर है क्या। वैसे शायद बर्ड फूड होगा यहाँ पर, वैसे लग तो यही रहा है मुझे, पता नहीं वैसे क्या होगा। ये प्लैंक यहाँ पर आके फंस गया, अगर अभी ग्रैनी होती ना तो आके मुझे पीट चुकी होती। ओके, इंजन पार्ट है, मतलब कार एस्केप के लिए यह हमें चाहिए था, कार की डिग्गी से ही मिला है और कार एस्केप में ही चाहिए हमें ये चीज़। ओके, तो अब हैमर मुझे ऊपर यूज़ करना है। मैं दो जगह पे तो यूज़ कर चुकी हूँ, वैसे तीन चार जगह पे यूज़ होता है। एक सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ने के लिए यूज़ होता है, बट वो मैं नहीं तोड़ती, मेरा दिल ही नहीं करता। ओके, तो फाइनली अब हम ये वाला दरवाज़ा तोड़ेंगे और इस प्लैंक को वहाँ पर प्लेस करेंगे। अभी तक मुझे कटिंग प्लायर नहीं मिला, क्योंकि मुझे लेना है कौवे से और मुझे बर्ड फूड अभी तक मिला नहीं है। यहाँ पर मीट है, तो इसका मतलब है ड्रॉर्स में कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे लग ही रहा था कि ड्रॉर में कुछ भी नहीं होगा। और वहाँ पर सामने शायद सेव की है, बट अभी तक मुझे कटिंग प्लायर नहीं मिला। तो मैं शॉटगन का पार्ट उठाती हूँ और ये भी जाकर नीचे लगा लेती हूँ, क्योंकि सब काम तो मुझे करना ही है, बट एस्केप को ये एक आधी करूँगी, काम सारे करूँगी। कार की मैं उठाकर इसलिए ऊपर लेके जा रही हूँ कि मैं ऊपर से फेंक के देखूँगी, शायद इससे हमारा स्क्रू ड्राइवर नीचे गिर जाए। आई थिंक सो नहीं गिरा, अभी तक नहीं गिरा, तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होगा शूट करने के लिए। एक बार वैसे इसके साथ भी ट्राई कर लेते हैं,
फिर उसके बाद अगर ना मिला तो फिर हमें वेपन की ही यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब वेपन की कहीं ना कहीं ढूंढनी पड़ेगी। इस बार भी नहीं गिरा तो आई थिंक सो अब ना मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और मैं नीचे जाकर देख लेती हूँ कि यहाँ पर शायद मुझे कुछ मिल जाए काम का। इधर क्या है? वेपन की। ओह माय गुडनेस, वेपन की इतना छुपा कर रखी हुई थी। ओके, और मैं ये अपनी वुडन स्टिक भी उठा कर नीचे ले जाती हूँ। अभी सामने से वो जाएगी बला हमारी, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही पहली बार आते हैं ये ज़रूर सामने से गुजरती है। पहले मैं यहाँ पर भी ऊपर देख लूँ, पिछली बार हमें पार्ट ऑफ शॉटगन यहाँ पर पड़ा मिला था, बट इस बार इधर कुछ भी नहीं है। वेपन की मैंने यहाँ सर बाहर फेंक दी है, मतलब के कार वाली जगह पे फेंक दी है। पहले मैं ये स्टिक लगा लूँगी वहाँ पर, फिर उसके बाद लिफ्ट में भी देख लूँगी कि क्या है, फिर वापस हम यहाँ से दूसरी तरफ जाएंगे, मतलब ग्रैनी वाले मैप में। अभी हम ग्रैनी की भी दादी के मैप में हैं। ये कहाँ से टपकी? भागो। ओके, तो बचत होगी मेरी। वैसे मुझे इससे इतना ज़्यादा डर नहीं लगता। हमारी एक चीज़ तो पुट हो चुकी है सिवर में। अब मैं लिफ्ट पे भी चली जाती हूँ। मुझे आवाज़ें काफ़ी सारी आ रही हैं, वैसे लग रहा है कि वो करीब करीब ही कहीं पर है, और डर भी बहुत लग रहा है, बट पता नहीं कहाँ पर है ये मुझे पक्का नहीं पता। यहाँ से फ़ौरन से भाग जाती हूँ, यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं है। मैं पहले जाकर बॉक्स खोल के देख लेती हूँ कि बॉक्स के अंदर है क्या आखिर। ओके, तो इसके अंदर हमें मिली है स्पेशल की। काफ़ी मुश्किल काम है यार, बिकॉज हम स्पेशल की लेके जाएंगे स्पाइडर के पास। और ये कहाँ से आ गई यार, मैं दोबारा से ऊपर चली जाती हूँ। ये अब जब जाएगी ना तभी मैं वापस आऊँगी। यहाँ मैं स्पाइडर को मीट देकर वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना। जा रही है उसी तरफ, जा रही है जहाँ पर मुझे जाना है, बट निकलना तो पड़ेगा ना। वो रही, घूम कर आ ना जाए बस वापस से। अरे बिल्कुल साथ खड़ी है, लेकिन मैं बैठ कर निकल गई हूँ, मतलब कि इसको चकमा देना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ग्रैनी को तो पता चल जाता है अगर उसके पास से कुछ हुआ तो। वैसे एक बार ना मैं इधर साथ वाली जगह पर भी देख लेती हूँ कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि शायद हो सकता है यहाँ पर मुझे कुछ मिल जाए काम का। इस बॉक्स में तो कुछ भी नहीं है। अभी तक मुझे व्हील क्रैंक नहीं मिला, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कुछ भी अभी तक कोई चीज़ ख़ास मिल ही नहीं रही। यहाँ पर भी जाकर देख ही लेते हैं कि यहाँ पर कुछ है तो नहीं। ओके, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, तो मुझे अब साथ वाली जगह पर भी देखना है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है। चेक करते हैं यहाँ पर। ओ, पार्ट ऑफ शॉटगन, ठीक है। मतलब हमें दो चीज़ें तो मिली गई हैं यहाँ से। वो रही, आ रही है ऊपर ही। इसका तो सर ही नज़र आता है ना, तो दहशत फैल जाती है पूरी। ओके, तो वो जा रही है वापस, वापस घूम ना जाए अब। चलो, अब वो चली गई। अब मैं आराम से यहाँ से बैठ के निकल जाऊँगी। ये देखें, ये वाला जो है ना, ये दरवाज़ा खुलता है व्हील क्रैंक से। अगर व्हील क्रैंक लगाएंगे तो ये रास्ता खुल जाता है। ओके, तो फाइनली मैं दोबारा से ग्रैनी के मैप में आ चुकी हूँ, सिवर वाले मैप से निकल आई हूँ। वो मुझे बहुत ही गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता वैसे। और अब हम ये स्पेशल की लेकर जाते हैं ऊपर, क्योंकि पहले स्पाइडर के पास भी देखना ज़रूरी है कि उसके पास है क्या। वैसे
कभी कभार तो इन लोगों ने मीट ही वहां पर रखा होता है सेवर वाली जगह पर। ये मुझे यहाँ पर पुट करना है और अब यहाँ पर मीट लेना है। मीट जाके मैं दूंगी स्पाइडर को। मुझे मीट वाला काम सबसे आसान लगता है क्योंकि इस स्पाइडर को मारना ग्रैनी ग्रैंडपा को मारने से भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत छोटा है। चेन कटर, ठीक है चलो चेन कटर हमें चाहिए था, सिवर एस्केप में काम आता है वैसे, बट चीज़ें तो सारी मुझे लेकर ही जानी है ना, तो चलो चेन कटर भी ले जाती हूँ मैं अपने साथ नीचे और नीचे सिवर में फेंक देती हूँ। वेपन भी बनाकर चेक कर लेती हूँ वैसे कि स्क्रू ड्राइवर में हमें क्या मिलेगा। अबे यार चला जा, इधर किधर फंस गया है। ओके मेरी वेपन की कहाँ गई? ओ मैं कार वाली जगह पर वेपन की छोड़ आई हूँ। छोड़ तो नहीं आई, खैर एक टाइम पे हम एक ही चीज़ उठा सकते हैं। अगर सब चीज़ें एक ही टाइम उठा लें फिर तो गेम में कुछ रह ही नहीं जाता। ओके तो हम इसी रास्ते से जाते हैं, सुरंग वाले रास्ते से, और यहाँ पर जाकर लगा लेते हैं वेपन की। और वेपन की से हमें जो वेपन मिलेगा उससे हमने क्या करना है, हमने स्क्रू ड्राइवर लेना है। क्या इसको शूट कर सकती हूँ मैं? नहीं इसको कुछ भी नहीं होता। असल में ना मेरा बहुत दिल करता है कि मैं किसी तरह एंजेलिना को मारूं, बट वो इमोर्टल है, वो मरती ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा शायद उसके टैडी को मारूं तो वो मर जाए, बट इसको तो कुछ होता ही नहीं है। तो अभी हम यहाँ से गिराते हैं अपना स्क्रू ड्राइवर नीचे। स्क्रू ड्राइवर के साथ गैसोलीन कैन भी है। ओह माय गुडनेस, गैसोलीन कैन उधर ही रुक गया, मतलब बिल्कुल एंड तक आ चुका था, उछल भी चुका था, लेकिन वो एंड पे पता नहीं क्यों रुक गया। अब मुझे दोबारा से ऊपर जाके फिर से इसको शूट करना है। इस बार गिर जाइयो यार, इस बार ना पतंग करना। ओके तो गिर गया नीचे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, इस गेट के सामने ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा स्क्रू ड्राइवर कह रहा है मैं चली जा रहा हूँ, मैं चली जा रहा हूँ, मुझे इसके हाथ आना ही नहीं है। ओके तो हम यहाँ से दो पेज खोलेंगे और फिर हमें यहाँ से क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ओके प्ले हाउस की मिली है। पिछली बार आप लोगों को याद होगा कि प्ले हाउस की हमें कितना एंड पे जाकर मिली थी, मतलब सबसे एंडिंग काम तो यही था, और कॉगविल भी हमें बहुत फंसा के मिले थे। इस बार प्ले हाउस की और कॉगविल दोनों सामने सामने ही हैं। और यहाँ सर हमें वैसे इस बार पैडलॉक की तो मुझे नहीं लगता मिलेगी, इस बार भी पैडलॉक की बहुत फंसा के रखी होगी मुझे लग रहा है, जहाँ तक वैसे मुझे लगता है, क्या कह सकते हैं वैसे। ओके अपना कॉगविल पुट करते हैं। और अब हम अपना दूसरा कॉगविल भी लेके आते हैं जो कि मैंने फेंका था इधर नीचे वाली जगह पर। यहाँ से जाऊँ क्या? नहीं मेन रास्ते से ही चली जाती हूँ, यहाँ से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कॉगविल से मुझे लग रहा है, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे लगता है स्पार्क प्लग मिल सकता है या फिर शायद मास्टर की मिलेगी, जहाँ तक मुझे लगता है वैसे, पक्का मुझे भी नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। रास्ते में ये जो अटकना होता है ना ये बहुत तंग करके रख देता है। मैं किचन वाले रास्ते से चली जाती हूँ, यहाँ से ज़्यादा आसान है। यहाँ पर है क्या वैसे? ओ मास्टर की, मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर पैडलॉक की मुझे नहीं लगता इस बार मिलेगी इतनी इजीली, क्योंकि पैडलॉक की बहुत फंसा के रखी होती है हमेशा। गैसोलीन कैन अपना नीचे ले जाते हैं।
इसको इधर ही फेंक देते हैं और अपना स्क्रू ड्राइवर वापस उठा लेते हैं, क्योंकि ये मुझे सीवर में लेके जाना है, वहाँ पर चेक करना है, शायद वहाँ पर पैडलॉक की हो, वैसे हो सकती है। इसको पहले नीचे फेंकती हूँ, फिर यहाँ से चेन कटर भी उठाकर नीचे फेंक लेती हूँ। ये जो चीज़ें अटक जाती हैं ना रास्ते में, बहुत तंग करती हैं। इतनी छोटी सी जगह दी होती है चीज़ें फेंकने के लिए, और हम सीवर में यहाँ से वापस भी तो नहीं जा सकते ना, रास्ते ही चेंज है, दूसरी जगह से वापस जाएंगे तो ही जाएंगे। अभी आगे है तो नहीं वो बुला, पता नहीं किधर है, वो रही, मैं इधर से निकल जाती हूँ। ओके, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा है, बट ये शुक्र है कि यहाँ पर वो आती नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ग्रैनी का भी डर नहीं होता और उसका भी डर नहीं होता कि वो आना चाहे, वरना तो ये काम भी बहुत मुश्किल होने वाला है। ओ, स्पार्क प्लग इतना फंसा के रखा हुआ है, मतलब कार एस्केप के लिए स्पार्क प्लग अगर चाहिए हो तो इतना फंसा के रखोगे आप लोग। ये गेम ऑलरेडी बहुत टफ थी, इसको बहुत टफ बना दिया गया है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत टफ लगती है। वो कहीं है तो नहीं वैसे, ये रास्ता वो वाला रास्ता है, मतलब जहाँ पर सीवर का दरवाज़ा है वहाँ से निकलें, फिर ये रास्ता आता है, सामने लिफ्ट है, इधर से निकलें या उधर से निकलें, एक ही रास्ते हैं दोनों के, वो सामने है। अभी आ तो नहीं रही वैसे, मैं चली जाती हूँ, वो ऊपर की तरफ गई हुई है अभी। और ये मैं कार वाली जगह पर फेंक आती हूँ, फिर मुझे ना पार्ट ऑफ शॉटगन भी उठाना है, क्योंकि शॉटगन काम आएगी किसी ना किसी काम, मतलब कि इस बार ना इस एस्केप में दो पार्ट शॉटगन के हमें सीवर वाली जगह पर मिलेंगे। मतलब मैं तो बाहर निकली ही नहीं, इसने मुझे ऐसे ही मार दिया यार, क्या करती हो। तो मैं मरने के बाद दोबारा से ज़िंदा होकर इस जगह पे आई, मैंने कहा चलो यहाँ पर शूट करके देखते हैं, शायद यहाँ पर हमें कोई काम की चीज़ मिल जाए, बट मेरे तीनों डार्ट्स अंदर गिर गए। चाबी पे मैंने बहुत ज़ोर से मारा, बट पता नहीं क्यों इस बार चाबी पे निशान ही नहीं लगा, आई डोंट नो वाई, बट ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो अब मुझे ना शॉटगन का पार्ट लाजमी लाना है, क्योंकि मुझे इसको भी मार के देखना है कि यहाँ पर है क्या। वैसे पहले अपना इंजन पार्ट नीचे ले जाती हूँ, जाकर लगा लेती हूँ कार के साथ। और अब अपना स्पार्क प्लग भी लगा लेती हूँ, व्रेंच तो मुझे पहले ही मिल गया था अवन में से, अवन भी कोई जगह है व्रेंच रखने की, मेटल तो वैसे भी नहीं चलता। ओके, तो ये वाले सारे ये खोल लेती हूँ, स्क्रूज़ इनको ढीला कर लेती हूँ, ये इंजन पार्ट फिर हमारा लग जाता है इस ग्रैनी की सड़ियल सी गाड़ी का। और अब मुझे बैटरी चाहिए सिर्फ, बाकी सब चीज़ें हैं, बैटरी और पैडलॉक की चाहिए, पता नहीं ये दोनों चीज़ें वैसे कहाँ पर हैं, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो आई थिंक सो मुझे ना दोबारा से मैप में ही जाना पड़ेगा। ये पीस ऑफ पेंटिंग है, मैं बहुत जगह बार बार देख रही हूँ कि शायद मैं कोई चीज़ भूल चुकी हूँ जो मुझे नहीं नज़र आई, तभी मुझसे इतना मुश्किल हो रहा है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, अब शायद उस कमरे को ही खोलूँगी तभी मुझे जाकर कुछ मिलेगा। चलो मैं अपना ये चेन कटर भी ले जाती हूँ अपने साथ। ओके, बस इस बार ना टकरा जाए मुझे, पिछली बार तो मतलब कि वो फ़ौरन से ही आ गई थी, पता ही नहीं चला उसके पंजे ने मुझे पकड़ लिया, पता नहीं कैसे।
बट इस बार मुझे उसको पकड़ने नहीं देना। अब बस सिर्फ रस्टी पैडलॉक ही चाहिए मुझे। अपना शॉटगन का पार्ट उठा लेती हूँ यहाँ से। बाकी तो अब मैं सिवर में ना एक एक जगह देख चुकी हूँ। ये आ रही है यहाँ से और अब ये सीधी तरफ से आएगी, मतलब यहाँ से आएगी, क्योंकि सुराख से तो आ नहीं सकती। अभी यहाँ से आ रही है तो मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। ये काफ़ी तेज़ है, मतलब इसको अगर यहाँ से कड़ाई ना दो तो फौरन से भाग के दूसरी तरफ आ जाती है। तो चलो मैं अपना शॉटगन का पीस तो उठा कर ले आई। अब बस गन बनानी है, कमरा देखना है और फिर क्या, फिर शायद हमें कोई काम की चीज़ मिल जाए। व्हील क्रैंक की वजह से बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि अभी तक मुझे व्हील क्रैंक नहीं मिला। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। मैं बार बार इसलिए देख रही हूँ कि शायद मुझे यहाँ पर कहीं व्हील क्रैंक नज़र आए, बट कहीं नज़र नहीं आ रहा। इन अलमारियों में भी कुछ भी नहीं है। ओके तो चलो चलते हैं, अपना कमरा शूट करते हैं। कमरा नहीं, यहाँ पर एक चाबी हमने शूट करनी है। पिंक कलर की चाबी है जिसको हमें बाहर से शूट करना पड़ता है यार। अगर ये दरवाज़ा बाहर से ही दे देते तो इनका क्या जाता था, लेकिन ये चाबी वाला सिस्टम रख के इन्होंने बस ना गेम को और ही ज़्यादा मुश्किल बनाया। अब शूट करती हूँ। पिछली बार भी मैं बिल्कुल इसी तरह डार्ट से शूट कर रही थी, लेकिन ऐसे लगता है जैसे डार्ट से ही खुलता नहीं है। ओके तो इधर यहाँ पर कार बैटरी मिली है और इसका सर तोड़ती हूँ। और यहाँ पर बस फ्रीज ट्रैप है। पैडलॉक कोड तो यहाँ पर कहीं नहीं है। नहीं भाई, यहाँ पर पैडलॉक कोड भी नहीं है, मतलब कि पैडलॉक कोड भी अभी मुझे ढूंढना है। मतलब अगर मैं आपको एग्जैक्ट आइटम्स लोकेशन बता रही हूँ तो मुझे पैडलॉक कोड की भी लोकेशन ज़रूर बतानी है आप लोगों को। कार बैटरी नीचे ले जाते हैं, कार के साथ लगा लेते हैं और फिर व्हील क्रैंक, पैडलॉक की और पैडलॉक कोड, स्क्रू ड्राइवर, ये चीज़ें रह जाएंगी। क्या मैंने यहाँ पर देखा है वैसे? शायद देख चुकी हूँ मैं यहाँ पर। काफ़ी पजल हो चुकी है गेम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद यहाँ पर वो पैडलॉक कोड, ओ वो रहा। ये पहले मुझे क्यों नहीं नज़र आया पैडलॉक कोड? पहले भी मैं इस कमरे में आई थी, कुछ मिला था मुझे यहाँ पर, बट पैडलॉक कोड पहले मुझे नज़र में नहीं आया वैसे। अब बस मुझे कौवे से ना कटिंग प्लायर लेना है, तो मैं पूरा घर छान बीन के सब कुछ चेक करके आई। फिर शायद मुझे लगा कि शायद मैंने यहाँ पर नहीं देखा, और यहाँ पर मुझे अब बर्ड फूड नज़र आया। बट मैं पहले भी आई थिंक सो यहाँ पर आई थी, बट पहले मुझे नहीं नज़र आया, इस बार ही क्यों नज़र आया वैसे? पता नहीं क्यों इस बार मुझे कुछ भी नज़र में नहीं आया। खैर अब बर्ड फूड लेके जाते हैं बाहर और ये कौवे को देते हैं अपने। कौवा हमें देगा कटिंग प्लायर, फिर कटिंग प्लायर से हमें सेफ की मिलेगी। सेफ की में शायद हमें कुछ मिल जाए काम का, व्हील क्रैंक या ऐसा वैसा कुछ भी शायद मिल जाए वैसे, पक्का तो फिर भी नहीं पता। ओके अब मेरा कौवा कहाँ गया? मेरा नहीं, ग्रैनी का कौवा, ये काला कौवा। ग्रैनी ऐसे जानवर रखती है। और अब इसके पास हमें कटिंग प्लायर मिल चुका है। कटिंग प्लायर का काम बेसिकली तीन जगह पर आता है। एक हमारे मेन डोर की वायर कट होती है, एक हमारा ये नीचे से स्विच कट होता है जो कि जाती तार दोनों मेन डोर को ही हैं, और एक हमारा ऊपर एग्जॉस्ट फैन कट होता है। इसको कट करते हैं सबसे पहले। अब हम मेन डोर की इस तार को कट करते हैं। देखो अब ये दोनों ग्रीन हो जाएंगी। पहले एक ग्रीन हुई क्योंकि हमने नीचे से कट किया, जब हमने दूसरी कट की तो दोनों ग्रीन हो गई। और ये करना ज़रूरी होता है वरना डोर नहीं खुलता। तो चलो अब हम यहाँ से भी जाकर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें सेफ की मिलेगी। सेफ की से देखेंगे क्या मिलेगा बाद में।
ओके सेफ की। वैसे हम अगर ये ना तोड़ें तो हम हाथ से नहीं उठा सकते, वरना एग्जॉस्ट फैन हमें खा जाता है, क्योंकि हमारा हाथ जख्मी कर देता है। अबे खुल जा यार, इतना फंसा फंसा के रखा हुआ है। और व्हील क्रैंक वैसे मुझे अभी तक मिला नहीं है। गुस्सा बहुत आ रहा है मुझे व्हील क्रैंक के ऊपर, क्योंकि व्हील क्रैंक से ना हमारा एक रास्ता खुलेगा जहाँ पर शायद हमें कोई काम की चीज़ मिले। यहाँ पर तो रस्टी पैडलॉक ही है। ओह माय गुडनेस, बहुत टफ है यार ये मैप, बहुत बहुत टफ है। रस्टी पैडलॉक की मैं यहाँ से नीचे फेंक देती हूँ, लेकिन मुझे अभी व्हील क्रैंक ढूंढना है यार, लाजमी ढूंढना है। मैंने पूरा घर ढूंढा, मुझे व्हील क्रैंक तो कहीं पर नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो मैं ये जो है ना टेडी बियर ऊपर ले जाती हूँ, यहाँ पर मैं इतने गौर गौर से इस व्हील क्रैंक को ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो नहीं मिल रहा मुझे। तो मैंने कहा चलो अब टेडी बियर ऊपर लेके जाती हूँ, मैं इसको बेबी कॉट में डालती हूँ, क्या पता बेबी कॉट में ही व्हील क्रैंक जादू से नमूदार हो जाए, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर भी टेबल के नीचे भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है व्हील क्रैंक यार। सीरियसली अगर वो मिलेगा तभी तो हमारा एस्केप कंप्लीट हो पाएगा, मतलब कि सब चीज़ों की लोकेशन पता चलेगी, बट वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। ये खोल के देखती हूँ शायद यहाँ पर हो सकता है। वैसे यार इतना फंसा कि मतलब मैं इतनी बार इधर आई लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं गया कि शायद यहाँ पर भी हो सकता है। वैसे यहाँ पर कभी कोई चीज़ होती तो नहीं है, व्हील क्रैंक को पता नहीं क्यों यहाँ पर रखा गया है। ओके आ जाओ भाई स्लेंडरी ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं आपकी अम्मी के पास जा रही हूँ। ये देखो स्लेंडरीना को कुछ होता ही नहीं है, मैं उसके आर पार हुई जा रही हूँ, उसको कुछ हो ही नहीं रहा। और ये कितनी अजीब है, ये वैसे काफ़ी कमज़ोर है। हमारी जो वो एंजलीना है वो तो काफ़ी मोटी है, और ग्रैनी भी पतली सी है, ये भी पतली सी है, बट जो दादी अम्मा है ना इनकी वो बहुत ही मोटी है। ओके तो शुक्र है मुझे व्हील क्रैंक मिला। अब बस मुझे लग रहा है कि मुझे सब चीज़ें मिल ही जाएंगी, मतलब सब चीज़ें क्या, एक विंच हैंडल और वाटरमेलन रह गया। और मुझे लग रहा है ये जब मैं लगाऊंगी व्हील क्रैंक, मुझे मिलेगा विंच हैंडल और उससे मुझे मिलेगा वाटरमेलन, और वाटरमेलन से मिलेगी मुझे पैडलॉक की, तब जाकर हमारा स्केप कंप्लीट होगा। सबसे पहले तो मैं ये जाकर लगा लूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। तंग तो खैर नहीं, मज़ा भी आता है, लेकिन यार इतना ज़्यादा टफ क्यों किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए यार। मैप को थोड़ा छोटा कर देना चाहिए, बहुत बड़ा हो चुका है वैसे, इतने सारे पोर्शन। फिर उसके बाद सिवर, एक तो पहले ही बेसमेंट है ग्रैनी की, उसके बाद सिवर मतलब कि गटर भी, ये तो जैसे हॉलीवुड मूवीज होती हैं वैसा सीन हो गया इसका। इतना गुस्सा क्यों कर दिया मेरे ऊपर, ऐसे जैसे कि मैंने इसका कोई उधार देना है। अब जा इधर से, अबे तू जा रे, चली गई आई थिंक सो। तो अब मैं ये जाकर लगा लेती हूँ व्हील क्रैंक, फाइनली हमारा एक रास्ता खुलेगा, वहाँ से हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। चेक कर लूँ ये ना खुला, अभी खुल चुका है। ओके ओके ओके, यहाँ पर कोई डब्बा नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कोई घुसने की जगह नहीं है, सामने आ ना रही हो बस। वो रही, ये कहाँ से आई यार, मतलब ये इस तरफ गई भी थी, मैं जा सकती थी इस दरवाजे से, लेकिन मुझे ना एक बार ज़रूर इसके दर्शन भी करने ज़रूरी होते हैं। इन गेम्स में यही होता है, ज़रा सा भी इनको शक्ल दिखा लो ना अपनी तो इनको फौरन से होश आ जाती है और ये पीछे मुड़ जाते हैं। ओके भागो यार, वो अभी मुड़ जाएगी इधर से, मुझे भाग के इधर से जाके चेक कर लेना चाहिए कि आखिर इधर है क्या। विंच हैंडल किसी बॉक्स में कहीं पर भी नहीं है, बस इधर सिर्फ सुराखों के अंदर रखा हुआ है। और देखो भाई व्हील क्रैंक हमें उस मैप से मिलता है
वो इधर लगाओ और ये जो हमें चीज़ मिलती है वो उस मैप पे लगती है। मतलब इतना ज़्यादा पज़ल, इतना ज़्यादा पज़ल। हंसी आती है मुझे तो इन लोगों पे वैसे। ओके, तो क्या आप लोगों को ये रास्ता समझ आया है? ये वाला यहाँ से निकल के जाएंगे तो दूसरा बॉक्स आ जाएगा, मतलब कि गोलमोल दो ही डब्बे हैं, इससे ज़्यादा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इन दोनों डब्बों में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। व्हील क्रैंक लगाना लाजमी होता है यहाँ पर अगर आप लोगों ने सारी चीज़ें देखनी हैं तो। ये देखो मैं घूम फिर के वहीं पर आ गई वापस। अब मैं यहाँ से उठ कर जाती हूँ, सामने है तो नहीं, वैसे नहीं है, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ फौरन से। ये मैं पहले फेंक लेती हूँ कार वाली जगह पर, और रस्टी पैडलॉक की लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसिकली सिवर वाली जगह कैसी लगती है दिखने में। एंजेलिना आप यहाँ से जाएं ना यार, बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है। फिर आ गई है ये। अरे ये तो आगे पीछे ही होती रहती है बस। चलो अब चली गई, अब मैं उठ के चली जाती हूँ। आ भी जाए ना तो अब मुझे कोई डर नहीं है। ओके 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 ओके, खुल जा सिम सिम। दरवाज़ा तो खुल चुका है, मतलब कि गटर हमारा खुल चुका है और ये रास्ता भी खुल चुका है, लेकिन मैंने यहाँ से स्केप नहीं करना भाई, मैं कार स्केप करूँगी और आप लोगों को दिखा के करूँगी सब चीज़ें। मतलब कि अभी हम विंच हैंडल लेके जाएंगे कुएं में, कुआं खोदेंगे कि कुएं के अंदर है क्या। वैसे ये यार यहाँ पर खड़ी हुई क्या कर रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसके पीछे से होके गुजर जाती हूँ। आप नहीं भाई, यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं रहता। अब उधर जाते हैं, जाके आराम से विंच हैंडल लगाते हैं कुएं में। यहीं से चली जाती हूँ, वैसे किचन से जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन एक दो सीढ़ियों ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अगर मुझे पहले बर्ड फूड मिल जाता ना तो इतना मुश्किल ना होता जितना मुझे लग रहा है। वैसे इसको घुमाओ, इसको घुमाना भी ज़रूरी होता है भाई, जैसे हाथ से घुमाना पड़ता है इसको भी घुमाना पड़ता है। ओह मुझे पता था कि इसके अंदर वाटरमेलन है, पक्का पता था मुझे, और वाटरमेलन के अंदर से हमें मिलेगी पैडलॉक की, ये भी मुझे पता है। खुल जा सिम सिम। ये देखो अब हमें पैडलॉक की भी मिल चुकी है, तो पैडलॉक की से हमें डोर भी खोलना है और कार वाली जगह भी खोलनी है, मतलब गैराज भी खोलना है। तो पहले मैं डोर खोल लेती हूँ, ठीक है। पिछली बार हमने पिछले मैप पे डोर स्केप किया था ये सब चीज़ें लगाने के बावजूद, बट इस बार हम डोर स्केप नहीं कर रहे। डोर स्केप आपको पता है कि अब बस सिर्फ मास्टर की इसके ऊपर लगाएंगे, जो कि हमें पहले ही मिल चुकी थी प्ले हाउस से, और फिर हमारा डोर स्केप हो जाएगा, लेकिन इस बार हम कार स्केप करेंगे। इसको भी खोलती हूँ और ये वाला गैराज का डोर भी खोल लेती हूँ। अब बस मुझे कार की कहाँ गई, ऊपर तो नहीं फेंक दी मैंने अपनी कार की? गैसोलीन कैन तो है, लेकिन कार की मुझे याद में नहीं आ रही मैंने कहाँ फेंकी। शायद मैं ऊपर ले गई थी, लेकिन वो तो वेपन की नहीं थी क्या? यार एक तो ये जो चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं ना, ये बहुत तंग करती हैं, मतलब पता भी नहीं चलता। इस ग्रैनी में तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। बट मेरी अभी तक कार की मुझे मिल नहीं रही, वैसे कहाँ गई? शायद मेरे ख्याल से मैंने ऊपर फेंकी है कार की, कहीं पे दरवाजे के पास है शायद, शायद, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो वेपन की है। ये तो पैडलॉक की है, यहाँ पर नीचे तो कहीं पर भी नहीं है यार। अभी बिल्कुल एंडिंग पे आके इस कार की ने ना मुझे तंग करके रख दिया है। वैसे
पहले नीचे मैंने चेक कर लिया है, सारा नीचे कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब है कि ऊपर ही कहीं पर है। यहाँ पर भी नहीं है, शायद यहाँ पर होगी। ये रही कार की। मुझे याद आया कि मैंने ऊपर से जाके इसको फेंका था वो स्क्रू ड्राइवर गिराने के लिए, लेकिन मुझे उस टाइम याद में ही नहीं था कि ये मैं कार की क्यों लेके जा रही हूँ। ये तो अभी मुझे कार स्टार्ट करनी है। ओके, तो कार को स्टार्ट करते हैं, रिवर्स मारा, फिर इसको फॉरवर्ड करते हैं, फिर रिवर्स मारते हैं और फिर इसको फॉरवर्ड करते हैं और हम अपनी गाड़ी यहाँ से लेके बाहर निकल जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाना। बाय बाय।